हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स मौजूद हैं। अगर आप खुदाई करते हुए धरती के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बढ़ती डेप्थ के साथ धरती के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। चलिए देखते हैं आखिर धरती के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, सब कुछ बताएंगे अपनी इसी छोटी सी वीडियो में, बने रहिए एंड तक। सबसे पहले आप पृथ्वी के क्रस्ट की ऊपरी सतह को पार करते हैं तो लगभग 2 फीट नीचे जाते ही आपको वहां मोल के द्वारा बनाए गए टनल्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये मोल क्रस्ट से करीब 2 फीट नीचे ही अपने टनल्स बनाते हैं। और इसके बाद लगभग 10 फीट नीचे जाते ही आपको वहां अर्थवर्म दिखाई देंगे, साथ ही साथ वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक वायर्स और कॉइल्स भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप 23 फीट के नीचे जाएंगे तब ये वो सीमा होगी जहां से आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लांट के रूट्स दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट के रूट्स जमीन के अंदर लगभग 23 फीट तक ही जाते हैं। अब आप आगे बढ़ते हुए जैसे ही 29 फीट की गहराई में पहुंचेंगे तब हो सकता है कि वहां आपका सामना नाइल क्रोकोडाइल से हो जाए, क्योंकि नाइल क्रोकोडाइल इतनी गहराई तक आराम से सुरंगें खोद लेते हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए करीब 108 फीट की गहराई में पहुंचते ही आपको वहां एक अंडरग्राउंड अर्बन फार्म भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे फार्म दुनिया भर में बनाए जाते हैं जहां पर सब्जियां हर्ब्स उगाई जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्री रूट से अब आपका सामना नहीं होगा, बल्कि जैसे ही आप 400 फीट नीचे जाएंगे तो वहां भी आपको ट्री रूट देखने को मिल सकते हैं। और ये ट्री रूट साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले वाइल्ड फिग ट्रीज की होंगी, क्योंकि यही इकलौते ऐसे पेड़ हैं जिनकी रूट जमीन के इतनी गहराई तक पहुंच जाती हैं। अब अगर इसके आगे चलते हैं लगभग 510 फीट की गहराई पर आपको एक होटल भी देखने को मिल सकता है जिसका नाम सिल्वर माइन होटल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये होटल दुनिया का सबसे डीपेस्ट होटल है जिसे एक खाली पड़ी सिल्वर माइन को कन्वर्ट करके तैयार किया गया है। इस होटल जितनी गहराई में पहुंचने के बाद आगे बढ़ेंगे, जब आप 940 फीट की डेप्थ में पहुंच जाएंगे तब वहां आपको एक रोड टनल देखने को मिल सकता है जिसका नाम एक्सन टनल है। दोस्तों ये अंडरग्राउंड रोड टनल नॉर्वे में बनाया गया था और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र के नीचे से निकलता है। अब जैसे ही आप धरती की सतह के लगभग 1300 फीट नीचे होंगे तब आप इस दुनिया के सबसे गहरे पानी के कुएं जितनी गहराई में पहुंच जाएंगे। शायद ही आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड किंगडम में मौजूद द वुडिंग डीन वेल हाथ से खोदा हुआ दुनिया का सबसे गहरा कुआं है जिसकी टोटल गहराई लगभग 1300 फीट है। दोस्तों यहां तक तो सब ठीक है, पर करीब 3300 फीट की गहराई में पहुंच जाने के बाद आपके लिए दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतनी डेप्थ में प्रेशर करीब 330 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। ये प्रेशर कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इतने प्रेशर का होना मतलब आपके सिर पर 4 बड़े हाथियों का चढ़ जाना। खैर यहाँ भी आपको ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि और भी ज्यादा गहराई में जाते ही आपका सामना कई दूसरे अमेजिंग चीजों से होगा। वेल 4000 फीट की डेप्थ को पार करने के बाद अब आप छोटे मोटे वॉर्म्स को नोटिस करेंगे जो कि गोल्ड माइंस में रहते हैं। हालांकि हम इंसानों की पहुंच इस डेप्थ से भी ज्यादा है, क्योंकि साल 2020 में करीब 6200 फीट की गहराई में इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें कनाडा की वेल्स क्रीटन माइन में सॉफ्ट बॉटम बॉयज ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। इस डेप्थ से थोड़ी और ज्यादा डेप्थ में आपको कड़ाके की ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी गहराई में सॉइल की थिक फ्रोजन लेयर मौजूद होती है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा परमेफ्रॉस्ट कहा जाता है। वैसे अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इतनी गहराई में तो किसी जीव का जिंदा रह पाना लगभग असंभव ही होता होगा, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि लगभग 6500 फीट की गहराई में भी आपका सामना स्प्रिंग टेल्स नाम के बिना आंखों वाले इंसेक्ट से हो सकता है, क्योंकि ये इंसेक्ट जॉर्जिया की सुपर डीप कैबुरा केव्स में रहते हैं। अब जॉर्जिया की कैबुरा केव्स की गहराई के बारे में सुनने के बाद आप हैरान मत होना, क्योंकि जॉर्जिया में ही एक ऐसी केव मौजूद है जो इससे भी गहरी है। वेल इस केव का नाम है रोनिया केव, जो लगभग 7200 फीट की गहराई में होने की वजह से इस दुनिया में अब तक खोजी गई सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। दोस्तों हम अगर इस दुनिया के डीप सिंगल सॉफ्ट एलिवेटर की बात करें तो लगभग 10000 फीट की गहराई तक जाता है, और अगर दुनिया के डीपेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल को देखें तो वो लगभग 11000 फीट की डेप्थ में साउथ अफ्रीका की टोटो माइन में पाया जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा वॉर्म होता है, पर इसकी खास बात यह है कि इसके पास एक्सट्रीम टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन से निपटने की गजब की कैपेसिटी होती है। इस डेप्थ के बाद जैसे ही आप जमीन के अंदर लगभग 6 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तब ये ओशियन क्रस्ट की एवरेज डेप्थ के बराबर होगा। हालांकि अगर आप इतनी गहराई में आ जाने के बावजूद भी अपने आगे की यात्रा को जारी रखेंगे तो लगभग 14 किलोमीटर की डेप्थ में आपको हॉट मोल्टन रॉक का पुल दिखाई देगा जो कि येलो स्टोन सुपर वोल्केनो का मैग्मा चेंबर है। अब इसी तरह जाते जाते जल्दी ही आप अर्थ के क्रस्ट को भेज सकते हैं, क्योंकि अर्थ का ओशियन क्रस्ट महज 4.5 किलोमीटर से 9 किलोमीटर जितना चौड़ा होता है, जबकि इससे उलट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई करीब 45 किलोमीटर के आसपास होती है। जबकि भले ही ओशियन क्रस्ट थिन क्यों ना हो, जब बात डेंसिटी की आती है तब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी ज्यादा डेंस होता है, और शायद यही वजह है कि ये मेंटल में नीचे फ्लोर करता रहता है। जितना ज्यादा आप क्रस्ट में डीप जाते जाएंगे तब मेंटल के करीब पहुंचते ही नीचे का तापमान लगभग 750
डिग्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी क्रस्ट धरती का कोल्डेस्ट पार्ट है। पर जैसे ही आप लगभग 28 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तब ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री होगी। यहाँ आपके ऊपर प्रेशर लगभग 10,000 एटमॉस्फेयर का होगा, जिसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 130 हाथी एक साथ आपके सिर पर चढ़ गए हों। बात अगर मेंटल की करें तो ये हॉट रॉक का बना है जो अर्थ के टोटल मास का लगभग 2/3 और अर्थ के वॉल्यूम का लगभग 84% होता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेंटल लेयर की थिकनेस करीब 2900 किलोमीटर की होती है, जो आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और प्लेटो की बनी होती है। साथ ही इसका इनर पोर्शन सेमी सॉलिड होता है, जिससे निकलते ही आपको वहाँ पर हर तरफ डायमंड ही डायमंड देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिन डायमंड को भी हम धरती से माइन कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल में ही फॉर्म हुए हैं, और करीब लगभग 100 करोड़ साल पहले वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ की सरफेस तक आ पहुंचे थे। क्रिस्ट के साथ मिला हुआ मेंटल का अपर पार्ट कई बड़े हिस्सों में टूटा हुआ होता है, और इन बड़े हिस्सों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो कि 1-2 इंच की स्पीड के साथ हर साल ड्रिफ्ट होता रहता है। जैसे ही आप मेंटल के अपर पार्ट से होते हुए उसके लोअर पार्ट में जाएंगे तब आपको वहां का तापमान 900 डिग्री से 1600 डिग्री तक बढ़ा हुआ महसूस होगा, और जैसे ही आप धरती के कोर के नजदीक पहुंचेंगे तब ये तापमान करीब 3870 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा, जिसमें सर्वाइव कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब आप 2900 किलोमीटर की डेप्थ में पहुंच जाएंगे तब वहाँ मेंटल और आउटर कोर के बीच बाउंड्री होगी, जहाँ का तापमान करीब 4980 डिग्री सेल्सियस होगा, जो इस आउटर कोर को लिक्विड रखेगा। भले ही इसके आउटर कोर का प्रेशर 2,000,000 एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, पर ये तब भी इतना ज्यादा नहीं है कि इसकी वजह से कोर में मौजूद आयरन दोबारा से सॉलिड बन जाए। दोस्तों, आउटर कोर जो होता है उसकी थिकनेस लगभग 2500 किलोमीटर की होती है, और इसका ज्यादातर हिस्सा आयरन और निकल का बना होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसी की वजह से इनमें टर्बुलेंट का करंट बनता है, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निर्मित होती है, जो स्पेस में करीब 13.5 लाख किलोमीटर तक फैलकर हमारी धरती को सोलर विंड से सुरक्षित रखते हैं। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो, अर्थ के आउटर कोर में अर्थ के सरफेस के मुकाबले लगभग 50 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे पार कर लेने के बाद आप करीब 5000 किलोमीटर नीचे अर्थ के सेंटर यानी इनर कोर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इनर कोर एक तरह से सॉलिड मेंटल का बना होता है, जो ज्यादातर डेंस होने के चलते अर्थ से ज्यादा फास्ट स्पिन करता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका तापमान सूरज की सतह के जितना गर्म होता है, जिसे बनने में लगभग 50 करोड़ सालों का समय लगा था। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ का लगभग 99% गोल्ड और प्लेटिनम इसी इनर कोर में पाया जाता है, और उनके अनुसार 50 करोड़ साल पहले निर्मित होने के चलते यह क्रिस्ट के कुछ पार्ट से ज्यादा यंग है। खैर, अब एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस इनर कोर के अंदर भी और एक इनर कोर मौजूद है, जो पूरी तरह से आयरन से बना है। हालांकि इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर इसके वजूद को साबित कर देंगे।